छठा प्रश्न देखिए, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 9,856 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए शंकु की ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीन चीजें निकालनी इसके अंदर हमें। जो दे रखा उसको देखिए, दे क्या रखा है इसके अंदर, पहले ये शंकु का व्यास, व्यास दे रखा, तो हम त्रिज्या लिखते हैं पहले भी, शंकु की पहला भाग कर रहे हैं, शंकु की त्रिज्या आर, व्यास की आधी यानी कि 28/2 कितना हो जाएगा आपकी 14 सेंटीमीटर, और माना शंकु की ऊंचाई, माना शंकु की ऊंचाई बराबर h सेंटीमीटर और शंकु की तिर्यक ऊंचाई l, शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर l सेंटीमीटर, दोनों को मान लिया हम निकालनी हमने। और क्या दे रखा, शंकु का आयतन दे रखा है, शंकु का आयतन कितना दे रखा है 9,856 सेंटीमीटर क्यूब, यह आयतन दे रखा शंकु का 9,856 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 πr^2h, और उधर दे क्या रखा है 9,856, 1/3 पाई की जगह 22/7 r^2 त्रिज्या कितनी रखी है 14, तो इसकी जगह क्या लिखा आपने 14×14, h का हमें पता नहीं, बराबर किसके 9,856 के। इसको जब कैलकुलेट करेंगे, देखिए निकालना क्या हमने h, ये निकालना है, इस h को यहाँ रखता हूँ, बाकी सबको दाईं तरफ ले जाऊँगा, 9,856 ये 3 ऊपर चला जाएगा, इस 3 और 7 दोनों ऊपर चले गए, और नीचे क्या आया आपका 22×14×14। ये कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, जब इसको काटोगे देखिए ऐसे 7×2×14, और इसको 2 से काटोगे तो ये 2×4 8, 2×5 18, 2×2×4 और 2×8 16, और कुछ देखिए ये 3 नहीं कट रहा, ये 22 और 14 हैं, इनको देखिए 2×1 = 2, 2×1 = 2, इसको काटूंगा 2×2=4, 2×4=8, 2×6=12 और 2×4=8, एक बार यहाँ आगे लिख लेता हूँ, भीड़ हो जाएगी नहीं, 2464 आया ये, गुणा 3 है, बटा नीचे आपका क्या क्या है 11 है, और क्या आपका 14 है, और काट लीजिए, और काटोगे देखिए 2×7=14, 2×1=2, 2×2=4, 2×3=6 और 2×2=4। अब इसको 7 से काट के देखिए, 7×7 कितने बच गए 5 53, और 53 है तो 53 53, 7×7=49, 4 = 42, 7×6=42, और काटिए 11 से कटेगा, 11×11 और 11 6×11 = 66, और 16×3 क्या आ जाएगा आपका 48 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऊंचाई जो क्या होगी आपकी 48 सेंटीमीटर क्यूब, यह आपकी क्या है शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई आ गई है। ठीक है जी, पहला भाग हुआ, दूसरे भाग में हमने क्या निकालना है, दूसरे में निकालनी हमने शंकु की तिर्यक ऊंचाई। अब तिर्यक ऊंचाई के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, r^l^2 = r^2 + h^2, ये होती है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, l^2 = r^2, त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दे रखी 14, यानी 14 का वर्ग, h अभी निकाला है क्या है 48 का वर्ग, और इसका वर्गमूल 14 का वर्ग, 14×56 14×5 = 19 196, प्लस 48 का जब आप वर्ग करोगे तो बनेगा आपका 2304, करके देख लेना भाई 2304,
और इन दोनों को जब जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका 2500, यानी एल की दो बराबर क्या आपका 2500 का वर्गमूल, और एल बराबर क्या हो जाएगा 2500, 2500 का वर्गमूल निकालो कितना जाए आपका 50 सेंटीमीटर बराबर क्या हो गया आपकी ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये आपका हो गया दूसरा भाग। तीसरा भाग, तीसरे भाग में क्या पूछा था, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पिछले प्रश्नावली वाला शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या लिखा था पीछे अगर याद होता आपको, पाई आर एल, ये फॉर्मूला था। पाई आपका 22/7, आर त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 14, एल, एल अभी निकाला कितना निकाला है 50, काट लीजिए 7 × 14 22 × 50 कितना हो गया 100, और क्या हो जाएगा 2200 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया है 6।